नमस्कार, मैं मुस्कान चौरसिया, इंडिया इनसाइट चैनल में आपका स्वागत है। वर्षों से छात्रों की मांग के बाद आखिरकार सरकार ने एक देश एक शिक्षा को मंजूरी देते हुए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की गठन कर दी है। यह एजेंसी ग्रुप बी और ग्रुप सी के नॉन टेक्निकल पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएगी। इस एक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को कई पदों के लिए कंपटीशन का मौका मिल सकेगा। प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले वैकेंसी के अनुसार अगली परीक्षा में बैठ सकेंगे। इस फैसले से हर साल सरकारियों की परीक्षा में बैठने वाले 3 करोड़ युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि NRA कौन सी परीक्षाएँ कराएंगी, CET का स्कोर कितने साल तक मान्य रहेगा, क्या 12वीं और ग्रेजुएट्स की परीक्षाएं एक साथ होगी या अलग अलग। इन्हीं सब सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्र एजेंसी कौन कौन सी परीक्षाएं कराएगी। SSC, RRB और IBPS द्वारा नॉन टेक्निकल पदों के लिए ली जाने वाली सभी परीक्षाएँ अब यही एजेंसी कराएगी। भविष्य में लगभग सभी एजेंसियां इसी से जुड़ जाएगी। दूसरा सवाल यह है कि क्या राज्य की एजेंसी इसमें शामिल नहीं है। अभी CET के स्कोर का इस्तेमाल यही 3 प्रमुख एजेंसी ही कराएगी। कुछ समय बाद केंद्र की अन्य भर्ती एजेंसी भी इसे अपना लेगी। CET का स्कोर केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्रों की भर्ती एजेंसी के साथ भी साझा होगा। अब तीसरा सवाल यह है कि क्या NRA द्वारा संचालित CET क्वालिफाई करते ही नौकरी पक्की हो जाएगी। अभी ऐसा संभव नहीं होगा, लेकिन भविष्य में ऐसा संभव है। CET अभी Tier 1 परीक्षा है, यानी यह सिर्फ स्क्रीनिंग या शॉर्टलिस्टिंग के लिए है। CET में शामिल कोई भी परीक्षार्थी वैकेंसी के अनुसार अगली उच्च स्तरीय परीक्षा के लिए सभी एजेंसी के पास आवेदन कर सकेगी। CET स्कोर के आधार पर ये एजेंसियां अलग से Tier 2 और Tier 3 स्पेशलाइज परीक्षा आयोजित करेगी। हालांकि कुछ सरकारी विभागों ने भर्ती के लिए दूसरे चरण की परीक्षा समाप्त करने और सिर्फ CET स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों का फिजिकल और मेडिकल परीक्षण कर नियुक्ति देने का संकेत दिया है। अब अगला सवाल यह है कि CET का स्कोर कितने साल तक मान्य रहेगा और इस परीक्षा को कितनी बार दे सकेंगे। स्कोर रिजल्ट घोषित होने की तारीख से 3 साल तक वैध होगा। उम्मीदवार स्कोर बढ़ाने के लिए बार बार परीक्षा दे सकेंगे। CET में ऊपरी आयु सीमा मौजूदा नियमों के अनुसार रहेगी। SC, ST, OBC और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवार को आयु सीमा में छूट रहेगी। तो पांचवा सवाल यह है कि CET के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होगी और परीक्षा केंद्र कैसे तय किए जाएंगे। उम्मीदवार को पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसी दौरान परीक्षा केंद्र के लिए अपनी पसंद भी बतानी होगी। उपलब्धता के आधार पर उन्हें परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। सरकार ने देश भर में 1000 परीक्षा केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, नई व्यवस्था का फायदा क्या होगा। उम्मीदवारों की नौकरी के लिए परीक्षा में भाग लेने और तैयारी में लगने वाले महत्वपूर्ण समय, धन और कठिनाई काफी हद तक कम होगी। CET से भर्ती का साइकिल कम होगा। प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र होने से दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी। CET 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। CET जैसे एक परीक्षा से काफी हद तक उम्मीदवारों पर वित्तीय बोझ कम होगी। तो ये थी इन व्यवस्था से जुड़ी कुछ सवालों और उनके जवाब। तो जाते जाते आपको यह बता दें कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत चयन को मंजूरी देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।